हम लोग खाटू मंदिर के अंदर हैं। कैसा लग रहा है सर आपको? बहुत अच्छा लग रहा है बाबा। जैसा कि आगे जाने के बाद कैमरे को बंद कर दिया जाता है क्योंकि रात के 10 बजे खुली रहती है। और कैसे लग रही है सर खाटू मंदिर का दर्शन? बहुत दूर से मनोकामना लेके आए, जैसा कि बहुत अच्छे लग रहे हैं। बाबा को बुलाया हमने, आया बहुत बहुत धन्यवाद। विवेक जी आपको मंदिर के अंदर बहुत अच्छा, जैसा कि पीछे लाइन भी लगे हुए देख सकते हैं। भीम के पोते थे, बर्बरिक एक महाशक्तिशाली योद्धा थे। महाभारत युद्ध के बाद बर्बरिक का शीर्ष भगवान कर बोलिए। बोलो विवेक जी, क्या क्या सर खाटू श्याम मंदिर घूमकर कैसा लगा आपको? बहुत आनंद आया, मेरी बचपन की शौक थी, जब से मैं गाना सुना तब से आने का शौक था बाबा का बुलावा। जैसा कि मंदिर का कुछ ही सीन दिखाए गए क्योंकि मोबाइल ले जाना अंदर अलाउ नहीं था, थोड़ा बहुत किसी सहारे खींचे हैं जी, जी बाहर का ही सीन दिखाया गया, अंदर का कटा हुआ सर जो है वास्तव में के कारण हम लोग अपना मंदिर के गढ़ तो प्रवेश कर रहे हैं। विवेक जी कुछ बताएं मंदिर के बारे में। अभी हम लोग खाटू श्याम जी महाराज का दर्शन, जैसे कि देख रहे हैं मंदिर का बाहर का सीन। खाटू श्याम जैसा कि रेगिस्तान देख रहे हैं आप, इसे कैसे राजस्थान में बने हुए रेगिस्तान जिसके लिए मशहूर है राजस्थान। देख रहे हैं बालू बालू, बहुत बालू बालू का ही पहाड़ मिलेगा, बालू का ही हर चीज़ है यहाँ पे। बोलो जय श्री राम, जय श्री राम, दिल से बोलो जय श्री राम, जोर से बोलो जय श्री राम, जीवन भर बोलो जय श्री राम।